हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलग अलग पेज पे अलग अलग कलर कैसे सेट करते हैं, जैसा कि आपको यहां सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। बहुत ही आसान से स्टेप्स में समझेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर इससे पहले भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर कर चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले एक नया पेज ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने तीन पेजेस लिए हुए हैं और तीनों का पेज का जो कलर है वो हम अलग अलग सेट करेंगे। ठीक है, साइज मैंने थोड़ा छोटा इसलिए रखा ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि किस पेज पर क्या, मतलब कौन सा कलर ऐड हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वाले पेज पे क्लिक करेंगे और ऊपर के रिबन में जाएंगे इंसर्ट टैब में। ये रहा इंसर्ट टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, हमको जाना है शेप्स में। ठीक है, इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करिए और यहाँ से आप ये रेक्टेंगल जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो प्लस साइन बनकर के आ गया। अब यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल जो है वो क्रिएट करना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एक हमने रेक्टेंगल क्रिएट करना है, इसको पूरे पेज पे हम कवर कर लेंगे। ठीक, ये हमने पूरे पेज पे कवर कर लिया। उसके बाद इसको सेलेक्ट ही रहने दीजिएगा और कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद इसको उठा करके यहाँ पर दूसरे पेज पे हम ऐसे सेट कर देंगे। ठीक, उसके बाद एक बार फिर हम कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे और इसको तीसरे पेज पे उठा करके ऐसे सेट कर देंगे। ठीक है, अब इन सब का कलर हम अलग अलग चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले पहले वाले पे क्लिक करते हैं और यहां से ऊपर देखिए। अच्छा हाँ, एक चीज और है, जब इसको आप सेलेक्ट करेंगे, मतलब ये सेलेक्ट रहेगा, तो यहां पर एक नया टैब हमको दिखाई पड़ता है शेप फॉर्मेट का। ठीक है, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे को बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहां पर हमको जाना है शेप फिल में। ये रहा शेप फिल, इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करिए और मन चाहा कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि इस बार हम ये रेड ले लेते हैं, बीच वाले का कलर हम चेंज कर देते हैं, मान लीजिए कि हम ग्रीन ले लेते हैं और इसको हम यही रहने देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और इधर पूरा सेट कर देते हैं। अब रह गया है टेक्स्ट को सामने लेके आना। तो इस पर क्लिक करिए, पहले वाले पर क्लिक करिए और यहाँ पर राइट क्लिक करिए। ठीक है, उसके बाद सेंड बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। सेंड बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए और यहाँ पे हमें जाना है सेंड बिहाइंड टेक्स्ट पे। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो टेक्स्ट यहाँ पर था वो सामने आ गया है। उसी तरीके से इस पर क्लिक करिए और सेंड बैक, सेंड टू बैक पे जाइए और सेंड बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ तीसरे पे क्लिक करिए, सेंड बैक पे और सेंड बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे तीनों पेजों का कलर जो है वो, पेजेस का कलर जो है वो बदल गया है और टेक्स्ट सामने आ चुका है।